तो नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब, मैं हूं रॉकस्टार डूड। तो आज हम बात करेंगे इंडिया के नंबर वन गेमिंग चैनल टोटल गेमिंग के ओनर अज्जू भाई के बारे में। तो चलो शुरू करता आज की ये वीडियो बिना किसी को चिमकांडी बोले हुए। तो अजय का जन्म गुजरात के अहमदाबाद सिटी में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। परिवार में उनके अलावा मॉम, डैड और एक छोटा भाई है। सो बेसिकली अज्जू भाई की स्कूलिंग गुजरात से ही हुई है। आम बच्चों की तरह ही उनकी डेली लाइफ भी नॉर्मल थी, यानी सुबह टाइम पे स्कूल जाना और स्कूल से घर आके बाहर दोस्तों के साथ क्रिकेट वगैरह खेलना। वो बचपन से ही पढ़ने में एक अच्छे स्टूडेंट थे, इसलिए हाई स्कूल के बाद उन्होंने साइंस स्ट्रीम ली। बट जल्द ही उन्होंने अपना फैसला चेंज करते हुए इंटरमीडिएट से ड्रॉप लेके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा में खुद को इनरोल कर लिया। बट कुछ कारणों और अपने कंसंट्रेशन में कमी के कारण उन्होंने बीच में ही अपनी डिप्लोमा की पढ़ाई भी छोड़ दी। लेकिन अपने इस डिप्लोमा के दौरान मिले कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अच्छी पकड़ और स्किल्स के चलते उन्हें सूरत में स्थित एक प्राइवेट सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब मिल गई एज ए ग्रोथ हैकर, जहां वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेबसाइट डिजाइनिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड वर्क करने लगे, जिसमें वो काफी एक्सपर्ट हो चुके थे। साथ में एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए वो अब फ्रीलांसिंग भी करने लगे। बेसिकली उनका पूरा दिन ऑफिस में ही बीतता था। सो एक बार उन्होंने अपने ऑफिस टाइम में अपने एक ऑफिस मेट को पीसी में फ्री फायर खेलते हुए देखा। सो अज्जू भाई को वो गेम काफी इंटरेस्टिंग लगा, तो उन्होंने अपने उस ऑफिस मेट से पूछा कि ये कौन सा गेम है, तो वो बोला कि ये फ्री फायर है। सो इस गेम के जबरदस्त गेम प्ले को देख के उन्होंने भी इसे खेलने का मन बनाया। वैसे उस समय उनके पास अच्छा फोन नहीं था, इसलिए वो इसे अपने इस फोन पे स्मूथली नहीं खेल पाए। इसलिए फ्री फायर गेम के मैकेनिज्म और कंट्रोल को बारीकी से समझने के लिए उन्होंने यूट्यूब में फ्री फायर प्लेयर्स को देखना स्टार्ट कर दिया। वो फॉरेन प्लेयर के साथ साथ एक फ्री फायर इंडियन स्ट्रीमर जेजे भाई को देखने लगे, जहां उन्हें पता चला कि कैसे फ्री फायर को भी पीसी में खेला जा सकता है। इसलिए जेजे भाई से इंस्पायर होके उन्होंने भी अपने पीसी में फ्री फायर को इंस्टॉल कर लिया। और उन्होंने सोचा कि जब मेरे पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है और काफी लोग यूट्यूब में गेमिंग देखने और सीखने आते हैं, तो क्यों ना मैं भी इन फ्री फायर के गेम प्ले को यूट्यूब में अपलोड कर लोगों को एंटरटेन करूं। बट 2018 तक पबजी मोबाइल ने पूरे इंडिया में धूम मचा रखा था, जहां मोर्टल और डायनेमो जैसे पबजी स्ट्रीमर्स के लाखों में सब्सक्राइबर्स थे। लेकिन फ्री फायर के उस समय इंडिया में गिनती के ही कुछ स्ट्रीमर्स थे, और उन स्ट्रीमर्स की वॉचिंग पबजी स्ट्रीमर्स के आसपास भी नहीं थी। और ऊपर से अज्जू भाई ने अभी तक कोई भी गेम प्रॉपर तरीके से नहीं खेला था। हाँ, बस वो अपने साथ के दोस्तों को गेम खेलता हुआ देखा करते थे। और करीब 2015 में उन्होंने क्लैश ऑफ क्लैन खेला था, और वो भी सिर्फ 3-4 महीनों के लिए। यानी उस समय अज्जू भाई गेमिंग के मामले में बिल्कुल चिमकंडी थे। उनका यूट्यूब का ये सफर मुश्किल होने वाला था, बट इन सब की परवाह न करते हुए उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल टोटल गेमिंग को फाइनली 9 अक्टूबर 2018 को क्रिएट कर ही लिया। और इस सोच के साथ कि वो इस चैनल में बहुत सारे गेम्स खेलेंगे, ताकि उनके इस गेमिंग चैनल का नाम भी जस्टिफाई हो पाए। सो इस उम्मीद के साथ उन्होंने अपनी पहली वीडियो 2 दिसंबर 2018 को फ्री फायर गेम की अपनी एपिक विन टोटल 24 किल्स स्क्वाड मैच बेस्ट हाइलाइट्स गेम प्ले वाली वीडियो अपलोड कर दी। वीडियो के शुरुआती व्यूज काउंट और लाइक से उन्हें काफी मोटिवेशन मिला, इसलिए उन्होंने अपनी तीसरी वीडियो में पहली बार अपने वॉइस के साथ वीडियो अपलोड कर ली, जहां वो उस समय अपने सब्सक्राइबर्स को फ्री फायर से रिलेटेड ट्रिक्स एंड टिप्स बताया करते थे, जैसे फ्री फायर में कौन सी गन बेस्ट है, पिंग प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन एटसेट्रा। सो जो लोग फ्री फायर गेमिंग में न्यू थे, वो अज्जू भाई द्वारा बताई गई ट्रिक्स एंड टिप्स से काफी सेटिस्फाइड थे, इसलिए उनके सब्सक्राइबर्स की रफ्तार भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगी। बाद में यूट्यूब से अच्छी अर्निंग होने के बाद उन्होंने अपना प्रॉपर सेटअप तैयार किया, जिसकी बदौलत वो प्रॉपर लाइव स्ट्रीमिंग भी करने लगे। लोगों को उनके गेम प्ले के साथ साथ उनकी ओपी कमेंट्री भी काफी पसंद आने लगी, और जिससे उनके सब्सक्राइबर्स उनसे काफी अच्छी तरीके से कनेक्ट करने लगे। गेम के बीच बीच में अज्जू भाई का फनी पंच लाइन मारना उनके दर्शकों को काफी पसंद आने लगा कि हमारे पास ऐसा एक दोस्त है जिससे मांगोगे पैसे तो वो देगा चिल्लर, वो अमित भाई जिससे बोट ही मरते हैं गेम में, इसलिए हम उसे बोलते हैं बोट किलर। वैसे इस दौरान उनका रूटीन काफी बिजी था, क्योंकि वो दिन भर ऑफिस में रहते और अपने बचे हुए टाइम को वो यूट्यूब में देने लगे। यानी वो अपनी जॉब और यूट्यूब दोनों को काफी अच्छी तरीके से मैनेज करने लगे। वैसे नवंबर 2019 तक डायनेमो और मोर्टल इंडियन गेमिंग सब्सक्राइबर्स काउंट में नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशन पे थे, लेकिन अज्जू भाई के एक साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने दिसंबर 2019 में मोर्टल को पछाड़ कर नंबर 2 की पोजीशन हासिल की। और फाइनली 2020 में डायनेमो को सब्सक्राइबर काउंट में पीछे कर वो यूट्यूब गेमिंग में इंडिया के नंबर 1 गेमर बने, और जुलाई 2020 में वो इंडिया के पहले गेमर बने जिन्होंने यूट्यूब में 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार किया। वो इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि उन्होंने उसके बाद के अगले 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स सिर्फ 6 महीने में ही कंप्लीट कर लिए, जो कि वर्ल्ड में किसी भी गेमर द्वारा अचीव किया गया एक गजब का रिकॉर्ड है। वैसे अज्जू भाई के टोटल गेमिंग के अलावा 3 और चैनल्स भी हैं, जिनका नाम टोटल गेमिंग लाइव,
टीजी हाइलाइट्स और अज्जू भाई है। वैसे ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ फ्री फायर ही खेलते हैं, उन्होंने समय समय पे अलग अलग गेम्स भी ट्राई किए हैं जिनमें पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी, ह्यूमन फॉल फ्लैट, माइनक्राफ्ट, अमंग अस, ग्रैनी, GTA 5 जैसे ऑसम गेम्स भी शामिल हैं। सो हाल फिलहाल में उनकी ऑडियंस में सभी टाइप के गेम्स खेलने और देखने वाले सब्सक्राइबर्स हैं, और साथ में उन्होंने कई बड़े बड़े गेमर्स के साथ कोलैब भी किया है जैसे डायनेमो गेमिंग, टेक्नो गेमर्स, देसी गेमर्स, रोमियो गेमर, पहाड़ी गेमर, जॉन्टी गेमिंग एटसेट्रा। और वो हमेशा ही चैरिटी स्ट्रीम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना नहीं भूलते हैं, जो उन्हें एक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल गेमर बनाता है जो सोशल कॉज के लिए हमेशा आगे रहते हैं। इसलिए अज्जू भाई ऐसे ही नंबर वन गेमर नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं सम फैक्ट्स अबाउट टोटल गेमिंग। फ्री फायर गेम की कंपटीशन साइड के चलते अज्जू भाई ने द माफिया टीम के साथ साइनिंग करके टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स को क्रिएट किया जिसके वो खुद ओनर भी हैं। सो बेसिकली उनकी टीम लाइनअप टीजी माफिया नाम से जानी जाती है, जहां टीम कैप्टन फौजी अजय हैं। इसके अलावा माफिया बाला, माफिया डिलीट जैसे दिग्गज फ्री फायर गेमर्स इस ऑसम टीम के पार्ट हैं, जिन्होंने हाल ही में बूया स्ट्रीमर रॉयल अपने नाम किया है। टोटल गेमिंग यानी अजय का नाम अज्जू भाई वेलकम बैक मूवी में जॉन अब्राहम के कैरेक्टर अज्जू भाई से इंस्पायर्ड है। 2019 में काफी इंडियन फ्री फायर टीम्स को जर्मनी और इंडोनेशिया जाने का मौका मिला फॉर पार्टिसिपेशन इन टूर्नामेंट, जहां टोटल गेमिंग को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन अपनी कंपनी जॉब के चलते वो वहां नहीं आ पाए। बात करें अज्जू भाई के फेस रिवील की, तो भाई ये इंटरनेट गॉसिप का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और आप लोग को तो पता ही है कि यूट्यूब में ना जाने ऐसे कितने वीडियोस हैं जो ये दावा करते हैं कि ये अज्जू भाई का रियल फेस है एटसेट्रा, जो कि अब तक सबके सब फेक हैं। और रही बात फेस रिवील की, तो भाई लोगों 2023 के बाद या फिर 2025 तक अज्जू भाई अपना फेस दिखाने से रहे, मे बी वो तब दिखाए जब हम सबके सब बुड्ढे हो चुके हों। बट जोक्स अपार्ट, उन्होंने ये सक्सेस अपनी लगन और मेहनत के द्वारा प्राप्त की है। अपने यूनिक स्टाइल गेम प्ले कॉमेंट्री से उन्होंने अपने दर्शकों के दिल में एक अलग जगह बनाई है। इंडिया में ऐसे बहुत ही कम गेमर्स हैं जिनके दर्शक अपने फेवरेट गेमर से प्यार करते हों, और उनमें से एक गेमर टोटल गेमिंग भी हैं। वो कहते हैं कि मेरे यूट्यूब गेमिंग करियर में ऐसा कोई वंडर मोमेंट नहीं है जिसे मैं शेयर कर सकूं, बट मेरे सब्सक्राइबर्स ही हैं जो मुझे इतना प्यार देते हैं, इसलिए मेरे हर स्ट्रीम में हर समय कुछ ना कुछ वंडर होता रहता है जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सो दोस्तों, आपकी लाइफ भी बिल्कुल ऐसे ही है, अपना हर मोमेंट को जीना सीखो। आपने पास्ट में क्या पाया और क्या खोया वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप लाइफ में आगे क्या बड़ा करने वाले हो जिससे आपकी फैमिली को आप पर नाज हो। इसलिए दोस्तों, वो कहते हैं कि आज मुश्किल है कल बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, आपका फ्यूचर जरूर बेहतरीन होगा। खुद पर भरोसा रखो क्योंकि अपनी काबिलियत बस आप खुद ही जानते हो। वो कहते हैं ना दोस्तों कि मेहनत की चाबी से ही सफलता का ताला खुलता है। इसलिए दोस्तों, अज्जू भाई की इस वीडियो से यही सीख मिलती है कि जो जमीन से उठते हैं उन्हीं का नाम आसमान तक फैलता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए इसका डिसाइड बस आप लोग ही कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि नीचे कमेंट में जाके अपने फेवरेट क्रिएटर का नाम लिखना है, और जिस कमेंट में सबसे ज्यादा लाइक्स आएंगे उसी की नेक्स्ट वीडियो बनेगी। रूल काफी सिंपल है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, और लगे हाथों चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे यूट्यूबर की इंस्पायरिंग स्टोरी लेके। तब तक के लिए बाय बाय, क्योंकि अब दुनिया बचाने भी तो जाना है। जो उन्हें एक रिस्पॉन्सिबल गेमर, अबे यार गिर गया यार ये तो, छी यार अमन, तेरे चक्कर में सब गड़बड़ हो गया।